Hey guys, namaste and welcome back. So I am going to wear this beautiful sari today. Start tucking the sari from right side and take a round. Okay, so ye part abhi ke liye ho gaya. Now we have to see the pallu first, then we'll come back to waist pleats. So temporary pallu bana ke shoulder pe dal lena hai. और अब मैं वेस्ट के प्लीट्स बना रही हूँ. सो पहले शेप देते हुए एक पिन यहाँ पे मिड में लगाएंगे, बॉर्डर को बिल्कुल एडजस्ट करेंगे सही से. पिन लगा लिया और साइड प्लीट्स क्रिएट करने के लिए आप इस तरह से ट्विस्ट करें और टक कर लें. और अब साइड प्लीट्स सेट कर रही हूँ मैं. तो जो ये हिप के प्लीट्स होते हैं छोटे छोटे, वो आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ही इजीली इस तरीके से. अब मैं वेस्ट के प्रॉपर प्लीट्स बना रही हूँ. फर्स्ट प्लीट थोड़ा ब्रॉड रखना है और एक एक प्लीट बनाते जाए, हाथ से सेट करते जाए साथ के साथ, जिससे बिल्कुल सही से सेट हो जाए आपका जो सारा प्लीट्स है. जब सारे प्लीट्स बन जाए तो थोड़ा स्प्रेड करके पिन से सिक्योर करके टक कर ले. बस प्लीट्स सेट हो गया. जो भी लूज पार्ट है प्लीज उसे भी अच्छे से टक कर ले, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लीट्स को टक करना है. तो वेस्ट प्लीट्स बन गए. अब मैं पल्लू स्टाइल कर रही हूँ बॉलीवुड स्टाइल में. बस एक पिन वेस्ट पे और पल्लू थोड़ा लूज ही लेते हुए शोल्डर पे डाल लेना है. और अब 3-5 जितनी भी प्लीट्स हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो. प्लीट्स बना के हाथ पे सही से प्लेस कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल ओपन रखेंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा अगर आप ऐसे कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो. तो हॉल्टर नेक ब्लाउज है इसीलिए पिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बिल्कुल बैक पे नीचे में, और एक पिन शोल्डर पे. बस ग्रेसफुली साड़ी कैरी करना है, आप परफेक्ट दिखोगे, हैप्पी रहो हमेशा, प्रिटी दिखोगे. तो ये ड्रेप एंड स्टाइलिंग तो कंप्लीट हो गया. होपफुली आपको पसंद आया हो. अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. बाय बाय, सी यू सून. Thank you.